राज्य मंत्री तरीके शपथ ग्रहण करवा पर बीजेपी नेता बीएल वर्मा शू कही रहा छे। और मैं कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 10 वर्षों में इस देश की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था को सुधार कर टॉप 5 में पहुंचाने का काम किया है और तीसरे टर्म में हम इसको टॉप 3 में लाने का काम हमारी सरकार करेगी। और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस देश के विकास के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, सभी वर्गों को जो काम किया है और काम करते करते मैं कहूंगा कि 25 करोड़ लोग जो गरीब थे वो गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। तब आने वाले तीसरे टर्म में हम इस विकास के लिए जारी रखेंगे और दुनिया में जिस तरह से भारत का नाम आगे बढ़ाने का काम किया है, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। जी सर, पीएम मोदी ने रिजल्ट से पहले, इवन चुनाव से पहले बोला था कि मेरा आने वाला जो काल होगा वो उसमें मैं बहुत बड़े बड़े फैसले करूंगा, 100 दिन की तैयारी मैंने ऑलरेडी कर ली है। सर कैसे देखते हैं आप इस चीज को? हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। हमने धारा 370 हटाने की बात कही, हटाकर दिखा दिया। राम मंदिर को बनाने की बात कही, बन गया। इस तरह के अनेकों अनेक काम इस प्रकार के हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है, जो संकल्प लिया है, जो कहा है वो पूरा करेंगे।